एक गांव में बंटी नाम का एक लड़का अपने पापा के साथ रहता था। एक दिन, पापा पापा, मुझे एक ऐसा खिलौना चाहिए जो किसी के पास नहीं हो। बेटा, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा खिलौना लाकर जरूर दूंगा। थैंक यू पापा। अगले दिन बंटी के पापा बंटी के लिए खिलौना खोजने चल पड़ते हैं। वह पूरा गांव भटकते हैं लेकिन उन्हें ऐसा खिलौना कहीं नहीं मिलता है। रात हो जाती है, तभी वहाँ एक साधु आते हैं। क्या हुआ बच्चा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, अपनी समस्या का कारण बताओ बच्चा। बाबा जी, मेरे बच्चे को सबसे अलग खिलौना चाहिए। मैं पूरे गांव भटका लेकिन वैसा खिलौना कहीं नहीं मिला। अब आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। चिंता मत करो बच्चा, बाबा जी सब ठीक करेगा। साधु बंटी के पापा को एक वायरस खिलौना देते हैं। ये लो बच्चा, ये खिलौना सबसे अलग है, जाओ और इसे अपने बच्चे को दे दो। धन्यवाद बाबा जी। बंटी के पापा खिलौना ले जाते हैं और उसे बंटी को दे देते हैं। बंटी अपने खिलौनों को अपने दोस्तों को दिखाने ले जाता है। उसके सभी दोस्त उसके खिलौने को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद बंटी अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि गांव में ज्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं। बंटी के पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बंटी के घर पहुंचता है। बंटी और पूरे गांव वालों में एक अजीब सा नया वायरस फैल चुका है। अब इसका क्या उपाय है डॉक्टर साहब? इसका एक ही तरीका है कि वायरस को फैलने से रोका जाए। इसके लिए हर कोई घर में ही रहे और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोता रहे। डॉक्टर चले जाते हैं। बंटी के पापा ये सोचते रहते हैं कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझता है। वो उस वायरस खिलौने को लाते हैं और उसे जला देते हैं। उस खिलौने को जलाने के साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।